मुझे लगता है कि अगर आप मतलब वैसा एक फ्रेंड होना चाहिए कि आप जिंदगी में कोई भी कांड कर लो, आपको हिरानी जी जैसे एक फ्रेंड मिलना चाहिए जो आपके बारे में लाइफ मतलब आपके लाइफ के बारे में एक फिल्म बना लेंगे और उसमें काफ़ी प्रो मतलब प्रोपोगंडा होगी और आपके लिए अच्छा रहेगा। बताता हूँ सर, सब बताता हूँ। रणवीर सर ने रियली गुड जॉब, पहली बार मैन चाइल्ड से हटके किसी और कैरेक्टर का किरदार निभाया उन्होंने। रणवीर कपूर हैज डन अ वेरी गुड जॉब, बट आई थिंक द सीन स्टीलर इन दिस मूवी इज विकी कौशल। विकी कौशल एक्चुअली मुझे हर फिल्म में अच्छे लगते हैं। 308 तक याद है, चलो आप सेफ्टी के लिए 350 लिख लो। राजकुमारी रानी की फिल्म्स में लड़कियों के लिए कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बस अनुष्का शर्मा आई है परी के बाद सेकंड टाइम, वो ब्लू कॉन्टैक्ट लेंस पहनी है क्योंकि हमको जब कोई फिरंग औरत टाइप दिखाना पड़ता है हम ब्लू कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं। और लाजपत नगर की कोई मैनेकिन से उनका वेग लेके आए हैं तो वो थोड़ा साइडी लगा। रणबीर कपूर हैज नेल्ड द लुक, मेकअप डिपार्टमेंट, हेयर डिपार्टमेंट, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट, बॉडी डिपार्टमेंट सारे बहुत अच्छे हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। I'm not a terrorist. राजकुमार हिरानी की फिल्म्स में एंटरटेनमेंट बहुत है तो फर्स्ट हाफ बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत मजेदार है, बहुत मजा आया देख के, और सेकेंड हाफ में सारा मजा उन्होंने चूस लिया क्योंकि सेकेंड हाफ कुछ ज्यादा ही प्रोपोगंडा टाइप लग रहा था, काफी प्रो संजय दत्त प्रोपोगंडा है। लास्ट में एक गाना है जहाँ पे संजय दत्त खुद आ जाते हैं, तो इफ देयर वाज एनी अटेम्प्ट एट ऑब्जेक्टिविटी वो लास्ट में उन्होंने ऑब्जेक्टिविटी को गोली मार दी।